अनुच्छेद 370 परमानेंट या हटाने का फैसला वैध। सुप्रीम कोर्ट में इस पर हुई जमकर बहस। रखी गई कैसी दलीलें। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विवाद 4 साल बाद भी थमता नहीं दिख रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। कोर्ट के सामने जम्मू कश्मीर के इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए दावे से लेकर दलीलों तक पेश की जा रही हैं। सरकार के फैसले को एक तरफा बताया जा रहा है, जनभावना को ध्यान में नहीं रखने का तर्क तक दिया जा रहा है। दिग्गज वकीलों ने अब तक की सुनवाई के दौरान 20 बड़ी दलीलें कोर्ट में रखी हैं। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों में बदलाव कर जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया था। उसके बाद से जम्मू कश्मीर अब देश के बाकी राज्यों जैसा हो गया। पहले केंद्र सरकार का कोई भी कानून यहाँ लागू नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ केंद्र के कानून भी लागू होते हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर में कई समुदाय को कई सारे अधिकार भी नहीं थे, लेकिन अब सारे अधिकार भी मिलते हैं। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है। सरकार का कहना है कि सही समय आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। केंद्र ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गईं। अक्टूबर 2020 से 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। इसमें CJI के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस PR गवई और जस्टिस सूर्यकांत हैं। याचिकाकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद अकबर लोन की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, मुजफ्फर इकबाल खान की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम, रिफत आरा की ओर से दुष्यंत दवे और जम्मू कश्मीर पीपल्स कांग्रेस JKPC की तरफ से वरिष्ठ वकील राजीव धवन, जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जफर अहमद शाह पैरवी कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने बड़ी दलीलें कोर्ट में पेश की। सिब्बल ने कहा, 5 अगस्त 2019 को जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था, तब किसी से राय शुमारी नहीं की गई। संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करना ब्रेग्जिट की तरह ही एक राजनीतिक कदम था। इस पर CJI ने कहा, ब्रेग्जिट जैसे जनमत संग्रह का कोई सवाल ही नहीं है। संवैधानिक लोकतंत्र में लोगों की राय जानने का काम स्थापित संस्थाओं के जरिए किया जाना चाहिए। सिब्बल ने कहा, संसद ने जम्मू कश्मीर पर लागू संविधान के प्रावधान को एक तरफा बदलने के लिए अधिनियम को अपनी मंजूरी दे दी। सबसे बड़ा सवाल है कि इस अदालत को ये तय करना होगा कि क्या भारत सरकार ऐसा कर सकती है। सिर्फ संविधान सभा को आर्टिकल 370 को निरस्त करने या संशोधित करने की सिफारिश करने की शक्ति निहित थी। चूंकि संविधान सभा का कार्यकाल 1957 में खत्म हो गया था, इसलिए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान प्रावधान को स्थायी मान लिया। 370 को हटाने के लिए राज्य को कानून पारित करना होगा। भारत सरकार इसे नहीं हटा सकती। यहाँ विरोध की बात लागू नहीं होती। इसी स्थिति को स्वीकार किया गया था और इस तरह से 370 अस्तित्व में आया, लेकिन बाद में 370 को अचानक हटा दिया गया। अचानक संसद में सरकार ने कहा कि हम ये कर रहे हैं। इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी, कोई परामर्श नहीं हुआ। राज्य के राज्यपाल और संसद ने एक सुबह ऐसा करने का फैसला किया और 370 को खारिज कर दिया। इस पर CJI ने कहा, अगर संविधान सभा के खत्म होने के बाद 370 ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया तो संवैधानिक आदेशों को 1957 के बाद क्यों लागू किया गया। लेकिन ये फैक्ट है कि 370 ने अपना उद्देश्य पूरा किया, उसके बाद लागू किए गए संवैधानिक आदेशों से छुटलाया गया, इसलिए 370 अस्तित्व में बना रहा। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।